बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास 208। हेलो एवरीवन, सो आज हम बिस्मिथ मेटल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटल है। ये लेड के बिल्कुल नेक्स्ट में रखा है और इसके ये स्टिक्स ही मिलती हैं जब भी आप इसको बाय करोगे। यह बहुत शाइनी होता है और इसको आसानी से हथौड़े के साथ तोड़ भी सकते हैं और ये 271 डिग्री सेल्सियस पर पिघल भी जाता है। तो अब हम इसको पिघला लेते हैं ताकि आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं इसकी। इसके क्रिस्टल बन जाते हैं और यह टॉक्सिक भी नहीं होता। इस मेटल की एक सुंदर बात यह है कि यह सुंदर क्रिस्टल बनाता है, पर यह क्रिस्टल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ मिलाई गई हैं और इसका सॉलिडिफिकेशन रेट कितना है। तो चलिए अब इसकी इम्प्योरिटीज़ को ऊपर से निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने रख देते हैं। और ये जैसे कि रेते में थोड़ा हीट करके और ठंडा करके रखा है, अब थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं और आराम से इसके अंदर से ये क्रिस्टल जो बन चुके हैं बीच में से निकाल लेते हैं, ताकि अब इसमें से जो बीच का यानी कि बचा हुआ लिक्विड है वो आसानी से निकल जाए और बाद में बीच में सिर्फ क्रिस्टल ही दिखें। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल बन चुके हैं और अभी एक इतने मतलब कि रेमबो टाइप दिखा नहीं रहे हैं अपना नेचर। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर ऑक्सीजन छिड़कनी पड़ेगी। तो देखिए आप कैसे एकदम से ये ब्लू सा और अलग अलग से रंग से दिखा रहा है। तो ये पेरोक्साइड भी बनाता है और इसको बिस्मिथ को अगर ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो बिस्मिथ ऑक्साइड बनाता है। तो यह पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है। तो इसको अगर ऐसा बनाना है आपको तो थोड़ा मतलब कि प्रोसेस होती है इसकी और यह है ख़तरनाक हो सकता है, तो इसलिए इसे घर पर ट्राई मत करना। बिस्मिथ के बहुत से प्रयोग होते हैं, इसको एलोयज में भी प्रयोग किया जाता है और इसके कंपाउंड्स को भी अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। और बिस्मिथ ऑक्साइड को ऑर्गेनिक सिंथेसिस के तरह यूज़ किया जाता है और इसको मेडिसिन में भी यूज़ किया जा सकता है और करते भी हैं। और ये बहुत ही अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है और इसको इंडक्टर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है।